Welcome to my channel Science with Mousmi. Let's start our chapter. We are going to start NCERT textbook of science class 10th chapter 13th magnetic effects of electric current part 2. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about the right hand thumb rule and about the magnetic effect. Magnetic field due to a current through a circular loop. Then about the magnetic field due to current in a solenoid. Then about the force on a current carrying conductor in a magnetic field, where we will discuss about the Fleming's left hand rule. Okay, let's start our right hand thumb rule. In a convenient way of finding the direction of magnetic field. Magnetic field associated with a current carrying conductor in a given figure of 13.7. देखो, if a conductor carrying current, जब एक conductor carry करता है, current क्या होता है? There a magnetic field will develop. But now, what's our question? Our question is, what would be the direction of this magnetic field? तो फिर इस magnetic field का direction कहाँ पर होगा? तो फिर इसके लिए चलिए हम नेक्स्ट पेज चलते हैं जहाँ पर हमें मिलेगा एक राइट हैंड थंब रूल और इसमें हम ये करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या होगा उसे हमें पता चल जाएगा कि ये फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. ये जो राइट हैंड थंब रूल है, ये फिगर को आप देख पा रहे हैं कि अगर हम एक कंडक्टर को कैरी करेंगे तो फिर इसका डायरेक्शन अगर यही होगा तो फिर उसका जो फील्ड डेवलप होगा उसका फील्ड का डायरेक्शन यही होगा. ओके, तो फिर इसको अगर हम रूल्स में बताएं तो फिर क्या होगा. इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड such that the thumb points towards the direction of current, then our fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field as shown in the figure. और इसे कहते हैं right hand thumb rule. यानी कि अगर conductor का direction यही होगा तो हमारी जो field develop होगा, magnetic field, उसका direction यही होगा. यह हमारा राइट हैंड थंब रूल. और अगर यह कंडक्टर का डायरेक्शन सपोज उल्टा ऊपर हो गया तो इसका डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा. हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा. आइए अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप. अभी तक हमने पढ़ा है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग स्ट्रेट वायर में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसके लाइंस कैसे होते हैं. उसी स्ट्रेट वायर को सपोज हम बेंड कर देंगे और एक लूप के शेप में उसको छोड़ देंगे तो अब हम देखने वाले हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस किस तरफ जाता है. तो कैसा होगा, देखो हम इसका एक एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे. एक एक पॉइंट पे हम देखेंगे कि इसका चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस कैसा होगा. तो फिर चाहे वो स्ट्रेट हो या फिर बेंड हो, फॉर्मूला तो वही होगा हमारी थंब रूल कि कंडक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उसी हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर डेवलप करेगा. तो हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लुक लाइक, अगर ये स्ट्रेट लाइन में होकर अगर एक लूप हो जाएगा तो फिर ये मैग्नेटिक लाइन्स कैसा होगा. देखो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट. देखो ये एक है, तो फिर अगर इसी पॉइंट का अगर हम देखेंगे तो फिर इसके ये अगर इसी कंडक्टर में हमारी करंट फ्लो करता है तो इसके चारों ओर ये कंसेंट्रिक लाइंस होगा, सर्किल्स होगा. और ये सर्किल जैसे ही हम डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये सर्किल का साइज भी बढ़ता जाएगा. उसी हिसाब से हम देखें तो जब हम बीच में पहुंच जाएंगे, व्हेन विल बी एट द सेंटर ऑफ द लूप, विल सी दैट दिस कंसेंट्रिक लाइंस
कंसेंट्रिक सर्किल सीम्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. द फील्ड अराउंड इट वुड बिकम सो लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर. तो फिर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप क्या होगा, द आर्क्स ऑफ दिस बिग सर्किल वुड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन. ये और हमको सर्किल जैसे नहीं लगेगा और ये देख रहे पा रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन जैसा ही लगेगा. तो उसी हिसाब से अभी हम राइट हैंड थंब रूल भी अगर अप्लाई करें तो इट इज इजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट्स द मैग्नेटिक फील्ड हेल्प्स इन द सेम डिरेक्शन विद इन द लूप. इसी हिसाब से हम एक एक पॉइंट को अगर कंसिडर करते जाएंगे तो देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डिरेक्शन जो है वो सेम, सभी का सेम है. कहाँ है, इसी साउथ से होकर ये नॉर्थ तक सारे सेम ही डिरेक्शन में है. तो फिर यही है हमारे थंब रूल का कमाल कि हम किसी भी जगह खड़े हैं तो फिर हम जान पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डिरेक्शन क्या होगा. देखो मैग्नेटिक फील्ड, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग वायर एट ए गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट. एक वायर के अंदर जितना जोर का करंट बहेगा, जितना ज़्यादा करंट पास करेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना ज़्यादा होगा. यानी कि करंट जितना ज़्यादा पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड इतना ही स्ट्रांग होगा, और जितना कम हो करंट पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक होगा. अगर हम एक ही कॉइल लेंगे तो फिर जितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, अगर हम एक कॉइल के साथ और ज़्यादा से एन दो कॉइल लेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और भी टू टाइम स्ट्रांगर होगा. इट विल बी लार्जर, द फील्ड प्रोड्यूस्ड विल बी लार्जर. अगर हम तीन कॉइल लेंगे तो इट विल बी थ्री टाइम्स लार्जर. इसी तरह अगर हम एन टाइम्स एन टर्म्स लेंगे किसी कॉइल का तो फिर उसका जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी एन टाइम्स लार्जर ही होगा. आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 13.6. एक्टिविटी 13.6 में हम लेते हैं, ये एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें एक ये है एक कार्डबोर्ड, इसमें होगा दो होल ए और बी, दो होल हैं कार्डबोर्ड में और हमने एन नंबर्स ऑफ टर्न्स यानी कि बहुत ज़्यादा टर्न्स घेरा होने वाला हमने वायर लिया. अब हम क्या करेंगे, ये जो बोर्ड है बोर्ड के ऊपर हम स्प्रिंकल करने वाले हैं हमारी आयरन फिलिंग्स. ये तो हम पहले वाले में भी किए हैं ऐसे सिंपल एक्सपेरिमेंट, आपको पता है ये कार्डबोर्ड के ऊपर हम आयरन फिलिंग्स स्प्रेड कर देंगे. अब जब हम उसको प्लग द की को स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, कार्डबोर्ड को थोड़ा सा हम टैप करेंगे और इससे सारे आयरन फिलिंग्स अपनी अपनी लाइन में अरेंज हो जाएंगे और आयरन फिलिंग्स का पैटर्न हम देखेंगे दैट इमर्जेस ऑन द कार्डबोर्ड. तो ये लाइंस में, तो फिर इससे ये सूचित होता है कि ये फील्ड कितना स्ट्रांग है और ये आयरन फिलिंग्स करता है कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है. चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड. तो मैग्नेटिक फील्ड हमने तो देखा कि सर्कुलर लूप में कैसे हो रहा है, अब हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड. एक सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करता है तब ये मैग्नेटिक फील्ड का हाल कैसा होता है, किस तरफ का होता है. तो पहले जान लेते हैं ये सोलेनॉइड क्या है. सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड जो है ये एक कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड. तो फिर ये देखने में एक सिलेंडर का शेप होता है, असलियत में क्या होता है, ये हमारे कॉपर वायर ऐसे टर्न 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 होके जैसे एक सिलेंडर का शेप ले लेता है और ये सारे वायर्स जो है ये सारे इंसुलेटेड होता है और दिखने में एक सिलेंडर जैसे वो प्रतीत होता है. द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सोन. तो फिर इसके चारों ओर, इसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो फिर उसके चारों ओर कुछ इस तरफ से, हमारे इस तरफ से ये देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की ओर, और ये भी नॉर्थ से साउथ की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन्स है. और अगर हम
इसके इनसाइड देखें तो इसका डायरेक्शन उल्टा है, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है इनसाइड द सोलेनॉइड। तो फिर चलिए देखते हैं, डिटेल में हम पढ़ते हैं। और ये सोलेनॉइड किस काम के आता है? ये सोलेनॉइड हम यूज करते हैं हमारे मैग्नेट बनाने के लिए, और जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी इसमें बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है सोलेनॉइड के अंदर, और फिर उसके अंदर रखा जाता है एक सॉफ्ट आयरन, और उसी सबसे सॉफ्ट आयरन बन जाता है और मैग्नेट, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके सॉफ्ट आयरन को बनाया जाता है मैग्नेट, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फिर चलिए देखते हैं, इस सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करता है तो फिर हम देखेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन से, ये हमारा सिमिलर होता है बार मैग्नेट के साथ, बार मैग्नेट के साथ सेम होता है। उसका एक एंड ऑफ द सोलेनॉइड एक्ट करता है जैसे नॉर्थ पोल की तरह, और इसका दूसरा एंड जो है वो हमारी एक्ट करता है जैसे साउथ पोल की तरफ, जैसे होता है हमारी बार मैग्नेट में। तो पर अगर हम सोलेनॉइड के अंदर पर्टिकुलर देखें कि कैसा लाइन्स है, तो फिर वो फील्ड लाइन्स जो इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर जो होता है ये देख पा रहे हैं ना, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन ही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड के अंदर अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरा यूनिफॉर्म ही है, यानी कि सेम है, उसका स्ट्रेंथ एट ऑल पॉइंट्स सेम ही है, ऐसा नहीं कि एक ज्यादा एक तरफ कम। तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये तो हम आपको समझा चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर भी इसका चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और वहां पर अगर हम एक मैग्नेट रख लेंगे तो वो मैग्नेट भी ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है, जो बात हमें पता नहीं था। चलिए देखते हैं, तो फिर वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर में तो ऑब्वियसली हमको पता है क्या होता है, उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और द फील्ड सो प्रोड्यूस्ड एग्जर्ट ए फोर्स ऑन ए मैग्नेट प्लेस्ड इन द, अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट रखा जाए तो वो मैग्नेट जो है ये कंडक्टर के ऊपर वो फोर्स एग्जर्ट करता है। कितना फोर्स एग्जर्ट करता है? हमारी साइंटिस्ट जो है एंड्रे मैरी एम्पियर के हिसाब से ये तो उतना ही है, द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एग्जर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फिर जितना ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के ऊपर एग्जर्ट करता है इतना ही फोर्स वो कंडक्टर के ऊपर वो एग्जर्ट करता है, वो सेम ही होता है। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड थ्रू द, चलिए इसके लिए करते हैं हम एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम लिए है एक अल्मोनियम रॉड 5 सेंटीमीटर का, उसको हमने नाम दिया ए बी, और इसका उसको हम हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करके रखेंगे एक स्टैंड में, और उसी को हम एक हर्सू मैग्नेट की दो उसका आर्म्स होते हैं एक, तो फिर उस दो आर्म के बीच हम रखने वाले हैं वो अल्मोनियम रॉड को कुछ हैंग करके सस्पेंड करके रखेंगे। और याद रहे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट कर रहा है अपवर्ड वो एक्ट कर रहा है, और फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल और द मैग्नेट वर्टिकली बिलो, और साउथ पोल जो है वो है, ये देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल जो है ये बिलो है और हमारे साउथ पोल जो है ये ऑफ है, उसका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की ओर एक्ट कर रहा है, और ये है हमारा ए बी रॉड जो कि सस्पेंडेड होके यहाँ पर एक स्टैंड में सस्पेंडेड किया गया है, और इसी रॉड को हमने रखा है इस दो पोल के बीच,
ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच ही इसको रखा गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर करंट पास करेंगे फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए के बीच हम ये करंट पास करेंगे। और तो क्या होगा, इससे हम देखेंगे कि ये रॉड जो है ये डिस्प्लेस हो गया है, कहाँ, टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट क्यों डिस्प्लेस हुआ है, जरूर ही इस रॉड के ऊपर किसी का फोर्स है, तो फिर ये फोर्स आया कहाँ से। अब हम इसको ट्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट की जो डायरेक्शन है इसको हम चेंज कर देंगे, ए टू बी कर देंगे, हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ये फिर भी डिफ्लेक्ट कर रहा है किस तरफ, टुवर्ड्स राइट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चेंज होता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज होता है, अपोजिट साइड होता है। इसका मतलब उसके ऊपर किसी का दबाव है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दिस, इस डिस्प्लेसमेंट से हमको क्या पता चला कि फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब वो अपने आप सिर्फ करंट ही उसमें कैरी कर रहा था तो कुछ नहीं होता था, पर जब उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फिर वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, यानी कि मैग्नेट जो है उसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है। और दैट द इट सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये फोर्स भी रिवर्स हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है ये टू कंडीशंस में, एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट को हम चेंज कर देंगे तो इस रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स होगा ये डिस्प्लेस होगा, या फिर अगर हम डायरेक्शन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये वर्टिकली अपवर्ड था, इसको हमने अगर वर्टिकली डाउनवर्ड कर दिया तो फिर ऐसे में भी हम देखेंगे कि वो रिवर्स डिस्प्लेस हो रहा है। चलिए देखते हैं हमारे अगले पेज में, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट्स रिवर्स्ड इन इन दिस टू केसेस। पर आप जानते हैं ये जो डिस्प्लेस होता है किस केस में ये डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ये फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, हाँ, जब ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों राइट एंगल में रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट और यू कैन से द फोर्स इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इच एट राइट एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर में होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इसी केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड सबसे ज़्यादा होगा। सच कंडीशन वी कैन यूज ए सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। आइए देखते हैं कि अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स को समझना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं कि इसमें होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, हमने थंब को ऐसे स्ट्रेच किया, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। कौन कौन, ये थंब, हमारी फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ये तीनों तीन जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस यू कैन सपोज लाइक दैट, तो फिर थ्री प्लेन्स में रहेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। अगर फास्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, फास्ट फिंगर फील्ड ऐसे ही एफ एफ एफ, आप सोच सकते हैं फर्स्ट फिंगर फील्ड और सेकेंड फिंगर होगा हमारे डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, अगर फर्स्ट फिंगर होता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड और हमारी सेकंड फिंगर होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिर ये फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करेगा, द थंब विल पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये थंब ये लेफ्ट साइड हो जाएगा हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। यही तो हुआ था, तभी तो हमारी जो एल्युमिनियम रॉड था वो लेफ्ट साइड हुआ था, क्योंकि वहाँ पर हमारी करंट इस तरफ से था, हमारी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड था। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होता तो क्या होता, तो फिर ये जो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है ये राइट साइड हो जाता है ना।
दिस इज द हमारी प्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इसे आप ना भूलिएगा। तो इसी के ऊपर डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी होता है और उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इसी के ऊपर बेस होकर हमारे कौन कौन सा सारे डिवाइसेस है, हमारे इलेक्ट्रिक मोटर हुआ, इलेक्ट्रिक जनरेटर हुआ, लाउड स्पीकर, हमारे माइक्रोफोन्स एंड ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी होते हैं। तो हमारे नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स के बारे में। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.